बाबा साहब ने आठवीं प्रतिज्ञा में कहा है कि मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथ से नहीं कराऊंगा। आखिर ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ब्राह्मणों के हाथ से नहीं कराऊंगा? क्योंकि यही तो उनके जीवन का सारा संघर्ष था। बाबा साहब के जीवन का सारा संघर्ष यह था कि जो ब्राह्मणवाद का पाखंड है, जो ब्राह्मणवाद है जिसमें एक इंसान ऊंचा, दूसरा उससे नीचा, तीसरा उससे नीचा और चौथा सबसे नीचा, और चौथे जो वर्ग के लोग थे उनका केवल और केवल एक ही धर्म बताया ब्राह्मणवाद ने कि ये ऊपर के तीनों जो वर्ग हैं उनकी सेवा करना। वो अपनी कोई संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकता था, उसे हथियार उठाने का अधिकार नहीं था, उसे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। तो ये सारा का सारा ब्राह्मणवाद का ही तो ढकोसला था। यही ब्राह्मणवाद जो वेदों को सनातन मानता है, वेदों को सर्वोपरि मानता है, उन्हीं वेदों में, उन्हीं धर्मशास्त्रों में, उन्हीं स्मृतियों में सारा सब कुछ इसका पाखंडी तो है। वही वेद वाक्य तो है जो ये कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ और बाजुओं से या छाती से क्षत्रिय पैदा हुआ, और उदर यानी पेट, और कई जगह कहा है कि जंघाओं से वैश्य पैदा हुआ और शूद्र पैरों से पैदा हुआ। तो शूद्र का स्थान सबसे नीचा है। यही तो है ब्राह्मणवाद, यही तो इनके कर्मकांड है, सारा सब कुछ यही षड्यंत्र चलता रहे और इतनी बड़ी देश की आबादी, इतनी बड़ी संख्या हमेशा गुलाम बनी रहे, हमेशा नीच बनी रहे, शिक्षा से दूर रहे, हथियारों से दूर रहे, पैसे से दूर रहे। ये सारा षड्यंत्र था और ये सारी क्रिया कलाप जितने भी हैं जो ब्राह्मण करते हैं ये सब उसी के तो हैं। चाहे उनके 16 संस्कार देख लीजिए, इंसान के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक के जितने भी संस्कार हैं सब में कहां है, किसको, किसके दान की बात है? वो जो पैसा खर्च होता है किसकी जेब में जाता है? ब्राह्मण की में। सारे दान ब्राह्मण को, और जो सामान आप खरीदते हैं वो कहां से आता है? बनिए का। तो सारा ब्राह्मण और बनिया ये जितना भी है ये सब ब्राह्मणवाद का तो षड्यंत्र, जितने भी क्रियाकलाप है उनके सब उन्हीं का तो षड्यंत्र है। अगर आज की तारीख में हम देखें, मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूं उसी से संबंध में, आपको पता लग जाएंगे जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा है। आज एक हर साल एक कांवड़ मेला चलता है, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग कांवड़ लेने जाते हैं। किसको फायदा होता है? सिर्फ दो को। जो सामान खरीदा जाता है बनिए से खरीदा जाता है, व्यापारी से खरीदा जाता है, तो व्यापारी को बनिए को फायदा हो रहा है, और जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो ब्राह्मण की जेब में जाता है, तो ब्राह्मण और बनिए दोनों की जेब में तो जा रहा है। इसके अलावा वैष्णो देवी या जितने भी देवी देवताएं हैं, इनके जितने भी त्योहार हैं और ये जितने नवरात्रों का त्योहार है, सारे का सारा कहां जाता है ये पैसा? जो चढ़ावा है ब्राह्मण की जेब में, और जो सामान खरीदा जाता है तो बनिए से। इसीलिए जितने भी कर्म कांड हैं, जितने भी क्रियाकलाप हैं, वो ब्राह्मणवाद के द्वारा फैलाए गए, ब्राह्मणवाद के द्वारा बनाए गए, स्थापित किए गए क्रियाकलाप हैं, और उनसे बाकी सबका नुकसान होता है। और ये शोषित, पीड़ित, दबा कुचला हजारों साल का जो इतिहास है, ये जो समाज है इतना बड़ा, इस समाज का केवल अहित होता है, उससे उसका फायदा नहीं होता। जो कमाई आज की तारीख में, ये भला हो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, भला हो हमारे समाज के, बहुजन समाज में जन्मे हुए संतों का, महापुरुषों का, जिनमें जिनके कर्मों की वजह से आज हम इस देश में थोड़ा जी पा रहे हैं, इज्जत की सांस ले पा रहे हैं, ढंग से रह पा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, नौकरियों में आ पा रहे हैं, उनकी बदौलत। तो ये आज भी जो षड्यंत्र है वो इसलिए बरकरार रखा जा रहा है ताकि हम जो कुछ भी कमा रहे हैं उनकी भेंट चढ़ा दें और हम फिर वहीं के वहीं खड़े रह जाएं। तो ये जितने भी कर्मकांड हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि इसकी जड़ ब्राह्मणवाद है और ब्राह्मण ही सारे कर्मकांड कराता है। तो उन्होंने ये इसलिए कहा कि मैं कोई भी कर्मकांड क्रियाकलाप ब्राह्मण के माध्यम से, ब्राह्मण के हाथों से नहीं कराऊंगा। ये उस ब्राह्मणवाद की जड़ को तोड़ने का, खत्म करने का एक बहुत बड़ा एक हथियार है, बहुत बड़ी शिक्षा है। अगर हमने ये समझ ली, बाबा साहब को अगर हमने तरीके से समझ लिया, उनके आदेशों को, उनकी शिक्षाओं को अगर हमने मान लिया, तो हम उस जाल से, उस जंजाल से छूट जाएंगे
और जो भी कुछ हम कमाते हैं, जो भी कुछ मेहनत करके हम पाते हैं, वो अपने आप अपने परिवार और अपने समाज की भलाई में उसका हम सदुपयोग कर सकेंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मैं कोई भी क्रियाकलाप ब्राह्मण के माध्यम से नहीं कराऊंगा। अगर कुछ कराना ही है तो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, हम उनके माध्यम से कराएं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फैलाने में हमारे जिन बौद्ध भिक्षुओं का हाथ है, हम उनके लिए काम करें। अगर दान भी देना है तो हमारे घर पर जब भी बौद्ध भिक्षु आते हैं या जब भी हम बौद्ध भिक्षुओं से मिलते हैं, हमें उनको दान देना चाहिए, ताकि वो तथागत के धर्म को, भगवान बुद्ध के धर्म को और उस धर्म को जिसको ग्रहण करने की शिक्षा, जिसका आदेश हमारे मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, उसको फैलाने में काम आए, तो हम उसके लिए काम करें। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मैं ब्राह्मण के द्वारा किसी भी क्रियाकलाप को कभी नहीं कराऊंगा। हमें उनके आदेशों का पालन करना चाहिए अगर हम अपनी भलाई चाहते हैं, अपनी मुक्ति चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।